कृष्णा, सभी को वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो और 75 डेज हार्ड चैलेंज। और आज हमारा दिन है 21 और 21th डे पे क्या क्या चीजें स्पेशल होने वाली हैं, कैसे स्पेशल करने वाले हैं आज दिन को और क्या एक्साइटिंग पार्ट है आज का। तो आज मेरे मॉम डैड भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको और देखते हैं आज ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और कितने मजे किए। और रही बात कि आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन पे कितने हमारे, मतलब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैंने जो पूजा करी थी उसका रिजल्ट कैसे जॉब पे मेरे को दिखाई दे रहा है और कितना, मतलब भगवान प्रसन्न हो रहे हैं मेरी पूजा से। तो लेट्स सी ऑल द थिंग्स कि कितने मजे आने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड चेक इट आउट कि कौन कौन से टास्क कितने अच्छी तरीके से पूरे किए हैं और नहीं किए हैं, तो जस्ट टेल मी इन कमेंट बॉक्स। लेट्स गो टू सी ऑल द थिंग्स। टाइम फॉर आर आउटडोर एक्सरसाइज और आउटडोर एक्सरसाइज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होने वाली है वो भी देखते हैं। और मॉम डैड आने वाले हैं शाम को, तो एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ा है, तो कहीं एक दो सेट एक्स्ट्रा ना मार दूं आज। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होने वाली है जिम में। तो लेट्स गो एंड कंटिन्यू फॉर आर एक्सरसाइजेस। बाय। इट्स आ कंडीशन ऑफ आफ्टर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट के बाद होती है ये कंडीशन। और ये कंडीशन मत देखो, तो चलो आप आगे की चीजें देखो और देखो कि आगे क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी मील ली है और किस तरीके का एक्साइटमेंट लेवल है और किस तरीके की चीजें होने वाली हैं। तो चलो पहले मील चेक करो, उसके बाद फिर योगा देखो आज का, और इसके बाद फिर गीता का ज्ञान जो बनाता है आपको महान। तो लेट्स कंटिन्यू टू आगे का पार्ट। आई विल गो एंड चेंज। इट्स टाइम फॉर आर इनडोर एक्सरसाइज और इनडोर एक्सरसाइज में कौन कौन सा योगा होने वाला है, लेट्स चेक इट आउट। बट आज नवरात्रि का 7th डे है, तो इसमें स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी कुछ काम करेंगे। तो लेट्स सी कि कौन कौन से योगा किए हैं, कितने मजे किए हैं, लेट्स चेक इट आउट।
तो इट्स अबाउट आवर टुडेज योगा और ये है हमारे योगा के आफ्टर योगा की कंडीशन। तो मतलब स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस होती हैं, थोड़े टाइम की एक्सरसाइजेस होती हैं, बट इजी प्रोसेस होता है एक्सरसाइजेस का, आसान आसान एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके बाद भी स्वेटिंग होती है और अच्छा लगता है जब ये स्वेटिंग की स्मेल भी आजकल अच्छी लगने लगी है क्योंकि वर्क हार्ड का मजा ही अलग होता है। तो लेट्स सी कि भगवद गीता में जो आज गीता का ज्ञान था जो आपको बनाता है महान, तो लेट्स सी कि आज गीता के ज्ञान में क्या बोला गया था, क्या श्री कृष्ण के बारे में बात हुई थी, क्या संजय ने कुछ कहा था, क्या संजय धृतराष्ट्र को कुछ बता रहे थे। तो आगे की चीजें देखो और गीता में जो मैसेज मिला है उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तो लेट्स सी कि गीता में आज क्या सुनने को मिला था। जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज हमारा चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक नंबर 26 है और 26 श्लोक में क्या बोला गया है, चलिए सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जितना सुनना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले श्लोक सुनते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं और फिर आपकी लाइफ से उसको कोरिलेट करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तत्रा पश्यत स्त्रितान पार्थ इत्रुनत पितामह आचार्यन मातुला भ्रातु पुत्रो पौत्रो सखिन स्थता। ये था हमारा 26वां श्लोक। चलिए आप इसका अर्थ समझते हैं और इसको अपनी लाइफ से इम्प्लीमेंट करते हैं। कुंती का एक नाम ना त्रिथा भी था, त्रिथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ चाचा दादा परदादा गुरु मामा भाइयों चाचा पुत्रों और पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था और ऐसा परिवार जो एक युद्ध के चलते दो हिस्सों में बट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ आ गए और आधे सगे संबंधी जो है दूसरी तरफ आ गए। हर किसी को यहाँ पे फैसला करना था, चयन करना था कि वो किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का साथ देना चाहते हैं या अर्जुन का। ऐसा हमारे समय में भी कभी ना कभी हो जाता है, कभी किसी से हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो हम भी दो पक्ष में बट जाते हैं। ना चाहते हुए भी परिवार में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब लैंड का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है या कोई विवाद हो जाता है तो उस समय भी देखेंगे ज्वाइंट फैमिली में अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, आधी फैमिली इनकी तरफ आ जाती है, आधी फैमिली इनकी तरफ आ जाती है। तो ये हमारी रियलिटी जो है वो यही है, इसी तरीके की चीजें महाभारत में भी हो रही थी। तो ये था हमारा 26वां श्लोक और 26वां श्लोक का मतलब कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ में, 27th श्लोक के साथ में। जय श्री कृष्णा। तो ये है हमारा वाटर चैलेंज जो है एक बहुत बड़ा मजाक हमारे लिए, बट आज जो है कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा टिपिकली, आज थोड़ा सा टाइम कम मिला फिर भी मेरे पास वाटर अवेलेबल नहीं था और भी बहुत सारी चीजें थी। तो आज करीब 5:30 के अराउंड हुआ है, मतलब कल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम, और अभी नियर अबाउट 7 बज रहे हैं, 7 बजे के अराउंड मॉम डैड भी आ चुके हैं और मॉम डैड से भी मिल चुके हैं तो आपको भी मिलवाया है। तो चलो आगे की टेक देखो जो कि हमारा टुडेज पिक्चर है और टुडेज पिक्चर में क्या क्या चीजें हैं और कितनी ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, देख लो उसको भी। तो इट्स आवर 21st डे ट्रांसफॉर्मेशन और 21st डे ट्रांसफॉर्मेशन में आज ये हमारी बॉडी की कंडीशन है और 21st डे पे बॉडी की कंडीशन ये वाली कंडीशन हो रही है। तो अभी नियर अबाउट बहुत सारी चीजें ठीक चल रही हैं, थोड़ा सा फ्लैट स्टमक भी हो चुका है, चेस्ट पे भी थोड़ा सा पता चलता है अब। तो आपको पता चले ना चले पर इनसाइड मी ये बहुत सारी चीजें मुझे पता चलती हैं कि हाँ भाई एक्चुअल बॉडी जो मेरी थी और अभी क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसमें। तो अगर आपको भी रहना है हेल्दी फिजिकली और मेंटली भी तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने आप को फिजिकली और मेंटली भी हेल्दी रखना शुरू कर दीजिए। तो स्टे हेल्दी फिजिकली और मेंटली भी। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, डे 22 पे।